साथियों, आप सभी का स्वागत है बैचलर साइंस मनोज सर यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज मैं आ गया हूँ आपका दोस्त मनोज यादव, बीएससी सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर बॉटनी। ठीक है, तो आज हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, लगभग 5 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप वीडियो पे नए आए हैं, चैनल पे नए आए हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को सारे टॉपिक्स बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस सॉल्व करवा दिए जाएंगे, और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी हो जाएगी इस चैनल पे, मैं वादा करता हूँ आपसे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ साथियों प्लांट फिजियोलॉजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका पहला टॉपिक है वह है रिस्पायरेशन। क्या है रिस्पायरेशन से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे साथियों, मैं उस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि डिस्क्राइब्स द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। डिस्क्राइब्स द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो देखिए पायरुविक एसिड जनरेट इन साइटोप्लाज्म। ये कहाँ पे जनरेट होता है, साइटोप्लाज्म में, थ्रू द ग्लाइकोलिसिस इन ट्रांसफेरेंट ऑफ द माइटोकांड्रिया। तो ध्यान से समझिए साथियों, पायरुविक एसिड जनरेट होता है साइटोप्लाज्म में थ्रू ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस के द्वारा, इन ट्रांसफेरेंस टू माइटोकांड्रिया। और इसको कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, माइटोकांड्रिया में। ठीक है, दिस इज इनिशिएशंस ऑफ सेकेंड फेज ऑफ रिस्पायरेशन। और जो हमारा पायरुविक एसिड होता है यह क्या करता है, रिस्पायरेशन का सेकेंड फेज होता है। ठीक है, एज सून एज पायरुविक एसिड इंटर द माइटोकांड्रिया, जैसे जैसे हमारा पायरुविक एसिड माइटोकांड्रिया में इंटर करता है, वन ऑफ द थ्री कार्बन एटम्स ऑफ पायरुविक, ठीक है, पायरुविक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड। और जैसे जैसे हमारा पायरुविक एसिड माइटोकांड्रिया के अंदर इंटर करता है, तो एक या एक से वन ऑफ द थ्री कार्बन, एक से या तीन अधिक जो कार्बन हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज्ड होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं साथियों, ऑक्सीडाइज्ड होने लगते हैं, टू सी ओ टू इन रिएक्शन कॉल्ड द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और जो हमारे कार्बन हैं वो टूटने लगते हैं साथियों, किसकी उपस्थिति में, प्रेजेंट ऑफ पायरुविक एसिड, वो क्या बना लेते हैं, CO2। ठीक है, इन रिएक्शंस कॉल्ड, और वो क्या करते हैं, CO2 के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, और इस प्रकार के जो हमारा प्रोसेस होता है उसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सीलेशन। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सीलेशन। ठीक है, हियर पायरुविएट इज फर्स्ट डीकार्बोक्सीलेटेड एंड देयर आफ्टर ऑक्सीडाइज्ड बाई एंजाइम पायरुविएट। और वह कौन सा एंजाइम होता है साथियों, पायरुवेट एंजाइम्स होता है जो ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स क्या करता है, डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स बनाता है। दिस एंजाइम्स इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स विच कंसिस्ट ऑफ डीकार्बोक्सिलेज। इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं साथियों, डीकार्बोक्सिलेज कहते हैं। ठीक है, लिपोइक एसिड TTP ट्रांस, ठीक है, एसिटिलेज एंड Mg+2। ठीक है, तो ये सारे इसमें क्या होते हैं, ये एंजाइम्स यूज किए जाते हैं। तो आप इनको याद रखिए, पायरुविक के अंतर्गत डीकार्बोक्सिलेज, लिपोइक, ठीक है, लिपोइक या लिपोइक एसिड या TTP या फिर ट्रांस एसिटिलेज प्लस Mg2। ओके, एसिटिल को एंजाइम्स एक्ट एज द सब्सट्रेट फॉर द क्रेब्स साइकिल। जो हमारा एसिटिल को एंजाइम्स होता है, एसिटिल को एंजाइम्स होता है, वो एक्ट किस तरह से करता है क्रेब्स चक्र में, इट इज़ द एक्ट एज अ को एंजाइम्स। ठीक है, द इक्वेशन इज द फॉलो, देखो पायरुवेट है, NADH है, ठीक है, प्लस को एंजाइम्स यहाँ पे यूज किया गया है, यानी एसिटिल्स। ठीक है, तो इसका जो प्रोसेस होता है साथियों वो होता है पायरुवेट, क्या होता है, पायरुवेट होता है और डिहाइड्रोजिनेज होता है। ठीक है, क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेज होता है। तो ये बनाता क्या है, एसिटिल को एंजाइम्स ए, NADH प्लस एच प्लस और CO2, क्या बनाता है, CO2। अब यहाँ पे होता क्या है साथियों, एसिटिल को एंजाइम्स कैन इंटर इंटू माइट्रोकांडिया, एसिटिल को एंजाइम्स ए कैन इंटर इंटू माइट्रोकांडिया के अंदर, जब एसिटिल को एंजाइम ए इंटर करता है, वाइल पायरुविक एसिड कैन नॉट।
फिर वहाँ पे पाइरुविक एसिड कार्य नहीं करता है, वहाँ पे कौन करता है? एसिटिल कोएंजाइम ए। तो आई होप साथियों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया पाइरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन कैसे होता है। ओके, तो थैंक यू, आपको इसी तरह से क्वेश्चन मिलते रहेंगे, शॉर्ट नोट्स आप लिखते रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे से आनंदित रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।